अमरनाथ अमरनाथ जंधेड़। क्यों भाई, क्यों हत्या की अपने भाई की? बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगा तो हत्या कर दोगे? प्रॉब्लम का निराकरण के और भी तरीके हैं ना। क्या क्या करके देखे तू? नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किए। नशा मुक्ति केंद्र में भाई को एडमिट किए। कितने दिन एडमिट किए? एक महीने। कब की बात है ये? पाँच साल पहले तुमने इनको एडमिट कराया, इलाज कराया, इलाज से ठीक नहीं हुआ। कौन सा नशा करता है जो तुम भर्ती कराए इनको? नशा सर गोली है, गांजा दारू। गोली गांजा दारू का नशा करता था। शादी हुई थी क्या उसकी? शादी हुई थी सर। शादी होने के बाद छः सात महीने बाद तलाक दे दी उसकी वाइफ। वाइफ चली गई क्योंकि वो वही जो हरकत थी उनके कारण। उसी हरकत के कारण। तो तुमने कब मन बना लिया कि अब हत्या करनी है? मन नहीं था सर, डेली डेली का वही 10 साल से जेल रहते घर वाले बहन भी सब लोग मतलब फैमिली बाहर सब मारपीट, मम्मी को मारना, पापा को मारना, बहुत परेशान हो गए थे। तो क्या किया परेशानी में तुमने? कंप्लेंट वम्प्लेंट भी किए 2-3 बार। कहाँ कंप्लेंट किए? उसी बार थाने। उसी बार थाने में कंप्लेंट। क्या में कोई निवारण नहीं हुआ? निवारण नहीं हुआ, तुमने खुद ही निवारण कर लिया। बहुत परेशानी कर रहे थे मम्मी पापा। बहुत परेशान मम्मी पापा के लिए तुमने भाई की हत्या कर दी है? बस वही तो दूर के ढूंढे आदमी तो कैसे मारा तुमने? सामान से तो मारा हो तो मुझे भी समझ में आ रहा है। ये सभी की थर्मोकोल काटने वाले तो आदमी को ही काट डाला। गलती तो किए हो तो सजा भी मिलेगी उसकी तुम्हें। तो ये कैसे कहाँ से खरीदे इसको? ये बैंकेट्स वगैरह। हाँ बैंकेट्स वगैरह दुकान का नाम है। दुकान का नाम है। कितने का लिए? ये 30 रुपये। कब लिए? ये उसी दिन। 30 रुपये भी आदमी की कीमत नहीं है, बताओ 30 रुपये में ये खरीदे उसी दिन खरीदे। कितने बजे खरीदे इसको? इसको सर 4:10 के 10 मिनट। हाँ 4:10 के 4:10 मिनट। क्या तुम्हारा हिसाब किताब है? मतलब एक एक मिनट और सेकंड का हिसाब रखते हो। तो 4:10 मिनट पे तुम ये खरीदे खरीदे। उसके बाद क्या किए? उसके बाद सीधे लेके गए थे सर, साथ में ही थे। साथ में थे? साथ में खरीदे क्या? नहीं उनको आगे खड़े कर दिए सर गाड़ी में। हाँ हाँ उसके लिए लेके आए जेब में रख दिया। जेब में रख दिया। फिर क्या किए? साथ में भट्टी गए थे सर। भट्टी दारू भट्टी भी पीते हो? उसे पिया था सर मैं भी। पीते हो? नहीं पीते हो। अच्छा तुम भी पीते हो तो उसपे तकलीफ हो रही है। भाई पी रहा है, खुद पिया हो तो कोई तकलीफ नहीं है। मारना पीटना हिंसा नहीं करना चाहिए। पीना अच्छी चीज है, पीने के बाद हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ तो फिर तुम साथ में लेके कहाँ गए? कौन सा दारू भट्टी? मसाला का क्वार्टर 3 क्वार्टर लिए। मसाले का 3 क्वार्टर लिए। इसके बाद क्या किए? सुनसान जैसे कच्ची रोड होती खेत। ठीक है वहाँ गए। फिर क्या किया? 2 क्वार्टर वो पिया था। एक ही पिया था पहले से, वो पिया हुआ था लेट गया सर। हाँ नशे में हत्या कर दी। कितना टाइम लगा हत्या करने में? वहाँ पी के बस बैठे थे, पिए खाने में 1 घंटा तक तो हम लोग सिर्फ पीने खाने खाए। कहाँ पे हमला किए चाकू से? गर्दन में किए। खून वून निकलने लग गया होगा। ये कहाँ पे किस जगह पे हत्या किए? बोधा गाँव से ननखट्टी रोड। ननखट्टी रोड। और फिर वो जब मर गया तो वहाँ से भाग निकले। जी सर। तो कपड़े वपड़े उतार दिए थे तुमने उसके? जी सर। तो वो कपड़े क्या उतार दिए थे? बेहोशी के नशे में तो पहले कपड़े उतार दिए थे। क्यों? मतलब सोचा कि बच जाऊंगा बचने की कोशिश करने के लिए। छिपाने एविडेंस छिपाने के लिए, लोग पहचान नहीं पाएंगे इसलिए। डर लगा, डर के कारण भाग गए। डर के कारण भाग गए थे। डर लगता तो इसी तरह की हरकत ही नहीं करते। और घर आने का किसी को बताए? नहीं किसी को नहीं बताए। सोचे थे कि पकड़े जाओगे? बिल्कुल। ये कैसे सोचे थे? तो इधर तो पकड़ छूटेगी सब चीज़। ऐसा तो बहुत शातिर ढंग से किया था। लेकिन कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं। तुम्हारी शादी वादी हुई है? नहीं हुई। गुस्से में हो गया, गलती से हो गया कि प्लानिंग से हुआ?
एक तरह से प्लानिंग ही था सर, बहुत इतना नहीं हो पाया मुझे, कंट्रोल नहीं हो पाया मेरे को भी, माँ बाप को देख के कंट्रोल नहीं कर पाया। माँ बाप अभी माँ बाप बहुत खुश हैं, दुख होंगे सर, लेकिन कम से कम दो टाइम की रोटी चैन से तो खाएंगे। ऐसा क्या, और तुम भी जेल में चैन की रोटी खाओगे तो देख लेंगे, देख लोगे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माँ बाप खुश तुम्हें, हाँ हाँ माँ बाप खुश तो बिल्कुल, माँ बाप को कौन सी खुशी दे दी, एक बेटा खत्म कर दिया तुमने, एक बेटा जेल में रह गया, खुशी नहीं थी चाची, खुशी नहीं थे वो उनसे, माँ बाप फैमिली हो गई और ये जितने भी बस्ती वाले सब, तो बस्ती वाले खुश हैं उसके मरने पे, सब खुश हो जाएंगे सर, सब खुश हो जाएंगे, सबको गाली गलौज मार के मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देना सर, ऐसा मुँह से अब जब बता ही नहीं सकते। ऐसा देखो नशे से कितना नुकसान है, क्या अपील करोगे नशा के बारे में, ऐसा कुछ भी हो सर लिमिट से करो किसी भी चीज़ को, कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं है ना, सब अच्छी चीज़ है, नहीं हर चीज़ को लिमिट से करने से ठीक है, लिमिट से ठीक है, कोई ओवर करोगे खाना भी ओवर खाएंगे तो बैक में जाएंगे, ओवर करना और खाना एक तरह की चीज़ है, दोनों स्वादिष्ट है। कौन सा नशा अच्छा है तुम्हारे हिसाब से, कौन सा खराब है सर, जो करते हैं वो बताएगा, मेरे को तो मैं उसको ड्रिंक ही करता हूँ, तो ड्रिंक के बारे में क्या राय है तुम्हारी, नॉर्मल जैसे पार्टी वगैरह शादी हो जाए तो उसके लिए तो अच्छी चीज़ें होती है, कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए एंजॉयमेंट मिलता है, क्या एंजॉयमेंट होता है शराब पीने के बाद, नहीं सर लाइफ में थोड़ा एंजॉय कर लिए बस, लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए ले लिया और कुछ नहीं, उससे तो कुछ होने वाला है, कुछ तो नुकसान होता नहीं है, मतलब नुकसान होगा थोड़ा बहुत। कितने भाई बहन हो, दो भाई थे सर, सिस्टर नहीं है सर, सर एक मिनट सर, बीच में आराम से खड़ा करो, एक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अमित बोलो दस मिनट, बोलो दस मिनट, क्या कुछ सर आप।